वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद स्नेहा और मैं हूँ स्नेहा। तो आज मैं क्रिएट करने वाली हूँ ये वाला मेकअप लुक और साथ ही साथ मैं इसमें दो प्रोडक्ट्स का मिनी रिव्यू भी शेयर करने वाली हूँ और उन्हीं दो प्रोडक्ट्स की हेल्प से मैंने मोस्ट ऑफ अपना मेकअप कंप्लीट किया है आज। और वो दो प्रोडक्ट्स है, सबसे पहले मैंने खरीदा था मालियों का ये लिक्विड आईलाइनर का सेट। इसमें 5 आईलाइनर्स मिल रहे हैं, ये कलर आईलाइनर्स है। यू कैन सी इसमें रेड, ब्लैक, ग्रीन, ब्राउन एंड ब्लू कलर के आईलाइनर्स मिल रहे हैं। ये आईलाइनर्स की साइज बहुत ही छोटी है, लाइक ये मिनी आईलाइनर्स है यू कैन सी। एंड इनकी पैकेजिंग की बात करूँ तो पैकेजिंग काफी स्टर्डी देख सकते हो और ये कुछ स्प्रिंग टाइप की इसकी पैकेजिंग है। एंड पैकेजिंग इज रियली क्लासी, छोटू सी क्यूट सी पैकेजिंग है। बट इनमें एक ऐसी चीज है जो आपको बड़े बड़े ब्रांड्स में भी नहीं मिलेंगी, इनको उतारने के लिए आपको ना ही मेकअप रिमूवर या ऑयल बेस ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए होगा क्योंकि थोड़ी देर बाद ये खुद ही हट जाएंगे। जी हाँ, सो या एंड इनका प्राइस है 250 रुपीज़। ये पूरे सेट के लिए मैंने 250 रुपीज़ लिए थे, लाइक 50 रुपीज़ में मुझे एक आईलाइनर पड़ा है। मैं आपको इनके स्वॉचेस, हैंड स्वॉचेस भी दे दूंगी, यहाँ पे आप देख लेना। एंड क्वालिटी वाइज अच्छे लगे मुझे, डार्क है काफ़ी, कलर्स बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। बट ये स्टेइंग पावर इनकी, लाइक ये स्मच प्रूफ भी नहीं है, वाटर प्रूफ भी नहीं है, जैसे ही वाटर के कॉन्टैक्ट में आएंगे वैसे ही ये मिट जाएंगे, तो ये चीज़ इनकी मुझे काफ़ी ख़राब लगी। अदरवाइज ओवरऑल काफ़ी अच्छे हैं। फेवरेट वाली है, यू कैन सी ये है आई शेडो पैलेट एंड ये है इसका पैकेजिंग, ये रोज गोल्ड कलर का पैकेजिंग है यू कैन सी। सो पैकेजिंग इसकी बहुत ही ज़्यादा स्टर्डी है, बिल्कुल फ्लिम्सी वगैरह नहीं है कुछ। और इसके साथ आपको एक मिरर रिसीव होगा, बट मेरा बैड लक है कि मिरर मुझे टूटा हुआ रिसीव हुआ था। बाकी मुझे थोड़ा बुरा तो लगा था, बट जब इसके कलर्स एंड पिगमेंटेशन देखे तो इट वॉज लाइक फैब यू कैन सी। बहुत ही मक्खन जैसे कलर्स है ये एंड पिगमेंटेशन तो ऑन पॉइंट है। एक कुछ मैट कलर्स मिल रहे हैं इसमें आपको, कुछ शिमरी कलर मिल रहे हैं, ब्लैक कलर्स मिल रहे हैं, लाइक ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। लाइक ये लाइट वाला शेड मिल रहा है कुछ अंडर आई सेट करने के लिए, ये भी क्रीज में सेट करने के लिए। सो दिस पैलेट इज बैंग ऑन, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। एंड ये मैंने लिया था 350 का। ये दोनों चीज़ें मैंने एक व्हाट्सएप रीसेलिंग ग्रुप से खरीदी थी, बट ये अमेजोन पे भी अवेलेबल है। आप चाहो तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकती हूँ। अगर किसी को अफोर्डेबल रेंज में एक बहुत ही अच्छा वाला आई शेडो पैलेट चाहिए तो दिस इज मस्ट हैव पैलेट। ये पैलेट बहुत सही लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड इसमें ये जो शिमर वाले शेड्स है ना, ये लाइक मेटालिक, इसमें मेटालिक टाइप कलर्स है ये एंड बहुत ही सही कलर्स है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये पैलेट। इसके लिए 10/10 है और इसके लिए अगर रेटिंग्स देनी हुई मुझे तो इसको मैं दूंगी 6.5/10। सो बहुत ही ज़्यादा अच्छे नहीं लगे बट बहुत बेकार भी नहीं है, ठीक ठीक काम चलाऊ है। सो या ये था इनका मिनी रिव्यू, मैं इनके स्वॉचेस भी आपको दे दूंगी। अच्छा लग रहा है ये मेकअप लुक, अच्छा लग रहा है तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को लाइक करना और अपने ढेर सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है प्राइमर, प्राइमर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकअप, या आपके मेकअप को होल्ड करके रखता है। और अगर आप प्राइमर अप्लाई नहीं कर रहे हो ना, आपको फाउंडेशन लगाने का कोई हक नहीं है, जस्ट किडिंग, बट आपको प्राइमर यूज़ करना ही चाहिए। देन NYBK का ही फाउंडेशन ले रही हूँ मैं, ये लिक्विड फाउंडेशन, ये तो बस मुझे 89 रुपीज़ में मिल गया था, काफ़ी अच्छी डील थी। बट इसके साथ ना ही तो कोई स्पैचुला मिलता है या फिर कोई पम्प, कुछ भी नहीं है, वैसे कुछ प्रोडक्ट लेना पड़ेगा।
अभी कंसीलर के लिए मैं ओलिविया की ये मेकअप स्टिक कंसीलर यूज करूंगी, क्योंकि मुझे आई मेकअप करना है थोड़ा हैवी वाला, तो कंसीलर अच्छा होना चाहिए। राइट, नाउ आई एम सेटिंग माई कंसीलर विद द मेबेलिन का सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट। तो सबसे पहले आई एम टेकिंग दिस शेड, देन अगेन मैं एक फ्लफी ब्रश ले रही हूँ और इसके हेल्प से ये कलर अभी अपने आउटर वी पे प्लेस करूंगी। ये मैं हल्का सा मैं आउटर वी पे प्लेस करूंगी। सो नाउ आई एम टेकिंग दिस मेटालिक काइंड ऑफ शेड और ये मैं अपने फिंगर्स के साथ ही प्लेस करूंगी। फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं अपना ब्राउ बोन हाईलाइट करूंगी ये वाला शेड लेके। लाइक ये ना कंप्लीट पैकेज वाला एक पैलेट है, इसमें आपको हाईलाइटिंग शेड भी मिल रहे हैं, मैट शेड भी मिल रहे हैं, या फिर ग्लिटरी शेड भी मिल रहे हैं, ब्लैक शेड भी मिल रहे हैं, सब कुछ आपको विद इन ये पैलेट के अंदर ही सारा कुछ मिल रहा है। तो फिर दिस इज छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली डील। नाउ आई लुक कंप्लीट करने के लिए मैं ब्लैक आई लाइनर ही यूज़ करी हूँ इसमें से, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे कलर्स हो गए तो मैं अभी थोड़ा न्यूट्रल चाहती हूँ। इसको यूज़ करने से पहले आपको शेक करना पड़ेगा अच्छे से। नाउ इस आईलैश की बैंड को हाइड करने के लिए मैं वापस से आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ उसके ऊपर। देन इसके ऊपर आई एम अप्लाइंग मस्कारा, कवर गर्ल का मस्कारा है ये। सो यार गाइस, आई एम डन विद माय आई मेकअप और अब मैं ब्लश अप्लाई करूंगी। ब्लश के लिए भी मैं सेम पैलेट यूज करी हूँ, इसमें से मैं लूंगी ये वाला शेड, ये सॉर्ट ऑफ पीच कलर है, इट्स वेरी पिगमेंटेड। मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है, अब बस बची है लिपस्टिक। एंड लिपस्टिक के लिए आई एम यूजिंग स्टे क्वर्की का बैडास लिपस्टिक इन द शेड स्नॉग मी एज एन एनिमल।